दिशा सान्याल केस में 4 साल बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सान्याल केस में मुंबई पुलिस 12 जुलाई को भाजपा विधायक नितेश राणे से पूछताछ करने वाली है। मुंबई पुलिस ने नितेश राणे को दिशा सान्याल केस में नोटिस जारी किया है और उनसे 12 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। दरअसल राणे ने पहले दावा किया था कि दिशा सान्याल की हत्या की गई है। 8 जून 2020 को दिशा के मौत की खबर आई थी। कथित रूप से दिशा सान्याल की मौत एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि दिशा की मौत के 6 दिन बाद ही यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया था। बता दें, पिछले 4 सालों से दोनों के निधन को लेकर कई अटकलें लगी और दोनों ही मामलों में फिलहाल जांच चल रही है। ऐसे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर दिशा के साथ उस रात को क्या हुआ था। 28 साल की दिशा सान्याल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। दिशा सेलिब्रिटी मैनेजर थी। उन्होंने सुशांत से पहले भारती सिंह और वरुण शर्मा जैसे सेलेब्स के साथ भी काम किया था। 8 और 9 जून 2020 की दरमियानी रात करीब 2 बजे दिशा सान्याल की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिर जाने पर मौत हो गई थी और महज 6 दिन बाद यानी 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। दिशा की लाश का पोस्टमार्टम घटना के 2 दिन बाद यानी 11 जून को किया गया था, जिस पर सवाल उठे थे कि बोरीवली पोस्टमार्टम सेंटर पर दिशा की ऑटोप्सी होने में 2 दिन की देरी क्यों हुई थी। और जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि सिर में चोट लगना और कई तरह की अप्राकृतिक चोटें दिशा की मौत का कारण थी, क्योंकि वो 14वीं मंजिल से नीचे आ गिरी थी और इस वजह से दिशा को मल्टीपल इंजरी हुई थी। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि दिशा सान्याल के साथ किसी तरह का फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ था, कहीं भी प्राइवेट पार्ट में इंजरी की कोई बात नहीं थी। मगर उस वक्त सोशल मीडिया में भी दिशा की मौत के पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बताई जा रही थी। यहाँ तक कि दिशा की मौत को सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा जा रहा था। सीबीआई की एक टीम ने दिशा सान्याल की मौत के मामले में छानबीन की थी। सीबीआई की उस टीम ने दावा किया था कि दिशा की हत्या नहीं हुई थी। सीबीआई के मुताबिक वो बहुत ज्यादा नशे में थी, जिसकी वजह से वो अपने फ्लैट से बाहर गिर गई थी। 8-9 जून 2020 की रात दिशा ने अपने फ्लैट पर अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। वहाँ उसके कई दोस्त मौजूद थे। दिशा ने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ जमकर ड्रिंक किया था, उसके बाद सबके साथ खाना भी खाया था। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर की बालकनी में खड़ी थी और तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। सिर और शरीर में गंभीर चोट लगने और ज्यादा खून बह जाने की वजह से दिशा की मौके पर ही मौत हो गई। इस जांच के लिए सीबीआई ने अलग से कोई केस दर्ज नहीं किया था। इतना ही नहीं, दिशा सान्याल की मौत से राजनीतिक गलियारों में भी काफी हलचल मची थी, क्योंकि इसके पीछे विपक्ष में ठाकरे ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा था। वहीं कुछ महीने पहले दिशा सान्याल के माता पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के मौत के नाम पर अब भी राजनीति हो रही है और कुछ नेता दिशा की मौत संबंधी परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं। इससे उनकी बेटी की छवि खराब हो रही है। मामले का संज्ञान लेते हुए सीबीआई के अधिकारियों ने इस पार्टी की रिकॉर्डिंग और चश्मदीदों के बयानों की जांच की थी, जिसमें दिशा सान्याल मौजूद थी। अब ऐसे में भाजपा विधायक नितेश राणे से पूछताछ के बाद ये देखना होगा कि केस में कौन सा नया मोड़ आता है।